आईटी सेक्टर पर मंदी का असर, बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छटनी की तैयारी में एचसीएल कंपनी ने करीब 350 लोगों को निकालने का फैसला किया। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, भारत के औद्योगिक उत्पादन में बढ़त अनुमान से कम, रिपोर्ट के मुताबिक सभी सेक्टर्स में गिरावट दर्ज की जा रही है। महंगाई के मोर्चे पर राहत, अगस्त में थोक महंगाई दर घटकर 12.4% तक आई, खाद्य महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 13.9% पर आ गई है, हालांकि खाने पीने की चीजें अभी भी महंगी हैं। IQ00Z6 Lite 5G भारत में होगा लॉन्च, फोन में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, साथ में 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। Amazon पर इस फोन पर 2500 रुपए तक की छूट मिल रही है। नोकिया 5710 एक्सप्रेस ऑडियो फोन दमदार फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, बैक पर वायरलेस ईयरबड्स भी अटैच किए गए हैं, फोन सिंगल चार्जिंग में 6 घंटे तक 4G टॉक टाइम देगा, फोन की कीमत 5000 रुपए रखी गई है। फायरबोल्ट की न्यू लॉन्च वॉच अब 80% का बम्पर डिस्काउंट के साथ मिल रही है, 9999 की स्मार्ट वॉच डील में सिर्फ 1799 रुपए मिल रहे हैं। 23 सितंबर से अमेजन पर मिलेंगे एप्पल के न्यू लॉन्च एयरपॉड्स प्रो, लॉन्चिंग ऑफर में 2500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, कान को स्कैन करके ऑडियो लेवल सेट कर सकेंगे ये ईयरबड्स। इसरो ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की, इसरो के जरिए पूरे देश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज डिलीवर की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का किया ऐलान, एविन लुइस की वापसी हुई, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन को नहीं मिली जगह। एशिया कप के दौरान घुटने की चोट का शिकार हुए रविंद्र जडेजा T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं हुए शामिल, फोटो शेयर कर कहा एक समय में एक ही कदम। ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप की नई जर्सी पर दिनेश कार्तिक ने किया ट्वीट, मजाकिया अंदाज में कहा उन्हें और भी फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों को चुनने की जरूरत थी, सिर्फ RCB के ही नहीं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को अपने संविधान में संशोधन करने की मंजूरी दी। रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, धोनी की वर्ल्ड कप टीम जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे पर घमासान जारी, मदरसा सर्वे पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी, कहा मदरसों का सर्वे करने आए तो चप्पल से करेंगे स्वागत, सर्वे टीम को दिखाएं 2009 का कानून। सर्वे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर BJP का पलटवार, कहा साजिद रशीदी पर कार्रवाई हो। मदरसों के सर्वे पर दिए मौलाना रशीदी के विवादित बयान का समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया समर्थन, ओवैसी ने भी सर्वे को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस में बड़ी टूट, गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक BJP में हुए शामिल, गोवा के CM बोले ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो गई है। पार्टी में टूट के बाद आज गोवा कांग्रेस के प्रभारी बैठक करेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है कांग्रेस, 8 विधायक BJP में हुए शामिल। गुजरात की ऑटो पॉलिटिक्स दिल्ली पहुंची, आज केजरीवाल के खिलाफ ऑटो के साथ प्रदर्शन करेगी BJP, कहा सरकारी कामकाज के लिए कार की जगह ऑटो का इस्तेमाल करें। दिल्ली में MCD चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का कूड़ा विरोधी अभियान आज भी रहेगा जारी, सौरभ भारद्वाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ओखला लैंडफिल साइट पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर फैसला जल्द, सूत्रों के मुताबिक अगले एक हफ्ते में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करेंगी। आज 2 दिन के दौरे पर नागालैंड पहुंचेंगे BJP अध्यक्ष JP नड्डा, 2 चर्च में भी जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की, अब पाकिस्तान को F-16 दिए जाने को लेकर जताई चिंता। तमिलनाडु सरकार की बड़ी पहल, CM M.K. स्टालिन के ने स्कूलों में फ्री ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की।
लखीमपुर खीरी कांड पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, कहा झूठे विज्ञापन से छवि नहीं बदल सकती। लखीमपुर खीरी की घटना पर अखिलेश यादव का ट्वीट, योगी सरकार में गुंडे रोज कर रहे हैं माताओं बहनों का उत्पीड़न, मामले की जांच कराए सरकार, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बेगूसराय को दहलाने वाले किलर अब भी गिरफ्त के बाहर, पुलिस ने जारी की चारों आरोपियों की नई तस्वीर। बिहार के बेगूसराय फायरिंग कांड में सीएम नीतीश ने जताया साजिश का शक, कहा अति पिछड़े निशाने पर थे, वारदात में एक की मौत 9 जख्मी, लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। बिहार के बेगूसराय में फायरिंग में घायल और उनके परिजनों को मिले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अपराधी पर बिना केस के भी हो सकेगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, कोर्ट ने कहा कई बार अपराधी की दहशत के चलते नहीं दर्ज हो पाती है एफआईआर। मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है, मौसम विभाग ने मुंबई में येलो अलर्ट और पालघर रायगढ़ और ठाणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में भी मौसम बदला हुआ है, देर रात कई इलाकों में बारिश हुई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अनास नदी उफान पर है, सड़कों पर बह रहा है पानी, अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। एमपी के डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश से उफान पर है नर्मदा नदी भी, घाट व मंदिर जलमग्न हुए, तेजी से बढ़ रहा नर्मदा का जलस्तर, जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते स्कूल बच्चे स्कूल जाने को मजबूर। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के नीचे बह रही है, लेकिन अब भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, अगले 3 दिनों तक होने वाली भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, आपदा से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयार। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, माही नदी पर बने बांध बजाज सागर का जलस्तर 281 मीटर तक पहुंच गया है, इस सिलसिले में आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के बारा में पार्वती नदी में बही महिला का शव बरामद किया गया, नदी पार करते वक्त बेटे समेत एक महिला नदी की तेज धार में बह गई थी, महिला के बेटे को बचा लिया गया। उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी है, 16 सितंबर तक उत्तराखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है, उज्जैन में भारी बारिश के कारण क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है, रामघाट के आसपास मंदिर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हिमाचल में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 18 सितंबर तक सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, सोलन, मंडी, कुल्लू में भी तेज बारिश हो सकती है, अगले 15 दिन तक मौसम बारिश वाला ही रहेगा। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए, एनकाउंटर अब भी जारी है। हाजीपुर में हैवानियत का एक और मामला सामने आया, 4 छात्राओं को स्कूल जाने के दौरान गांव के 5 दबंगों ने रोककर फोटो खींची, ब्लैकमेल कर फंसाया, लड़कियों का वीडियो वायरल किया, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के हाजीपुर गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 दरिंदों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, छापेमारी की कार्रवाई जारी। बिहार के मोतिहारी में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की भीड़ ने की पिटाई, पुलिस ने बेकाबू भीड़ से युवक को बचाया, अपनी बहन के लिए दवाई लेने आया था एक युवक। यूपी के सोनभद्र में एक आश्रम से 18 बच्चों के गायब होने से हड़कंप, केयरटेकर समेत 18 बच्चों को जंगल से बरामद किया गया, आश्रम की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के संभल में बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लोगों से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील भी की। यूपी के मुरादाबाद में बच्चा चोरी के अफवाह में एक व्यक्ति को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपा, पुलिस के मुताबिक युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। यूपी के गोरखपुर में रेलवे भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा दिला रहे सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या में इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालत में मौत, पूरा कलंदर थाने में तैनात था इंस्पेक्टर, घर पर सीढ़ी की रैलिंग पर मिला शव, आज ही हुआ था ट्रांसफर।
कानपुर में पुलिस की गुंडाई आई सामने, दो लड़कों को उठाकर ले गए और फिर जमकर पीटा। ग्रामीणों के विरोध के बाद युवकों को छोड़ा गया, दो दारोगा और एक सिपाही निलंबित किए गए। सिलसिले में यूपी के गोंडा में एसपी राजेश्वरी पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज। ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप है, पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के आजमगढ़ जेल में चौंकाने वाला मामला, जेल में बंद कुख्यात बदमाश मोबाइल से गवाहों को दे रहा है धमकी, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। दिल्ली से सटे नोएडा के इलाके में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सेक्टर 93 में निजी स्कूल की जमीन के पट्टे को निरस्त कर सील किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महिला सरपंच ने अपने गहने गिरवी रख गांव में लगवा दिया नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरा, गांव वालों की सुरक्षा के लिए महिला सरपंच ने यह कदम उठाया। झारखंड के देवघर में एक आवासीय विद्यालय में 20 से 25 बच्चियों के बीमार होने से हड़कंप, 3 बच्चियों की हालत गंभीर है, डॉक्टर ने कहा मौसम बदलने और स्कूल में बनी पकौड़ियां खाने से ये बच्चियां बीमार हुई। झारखंड के देवघर में लंपी वायरस का कहर, जिले के 50 जानवरों में मिले लंपी वायरस के लक्षण, देवघर के 10 ब्लॉक के वेटरनरी डॉक्टर अलर्ट पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।